महाराष्ट्र एटीएस ने आज नागपुर शहर में 3 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां एटीएस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट के कारोबार से जुड़े हैं, साथ ही कुछ लोग कम समय में पैसे डबल करने का गिरोह चला रहे हैं। नागपुर के हसनबाग इलाके में परवेज पटेल नामक व्यक्ति के घर और कार्यालय में एटीएस की टीम ने छापा मारा है। अभी भी कार्रवाई जारी है, इसलिए एटीएस के हाथ क्या लगा यह पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है जिसमें एटीएस ने लाखों रुपए इस कार्रवाई के दौरान बरामद की है। दोस्तों हसनबाग नंदनवन हसनबाग के पास में बिलाल एंटरप्राइजेज जो कि परवेज पटेल का बताया जा रहा है, कुछ माह पहले भी परवेज पटेल के ऊपर में नागपुर पुलिस की कार्रवाई हुई थी, जिसमें डुप्लीकेट नोट बनाने और लोगों को एक का डबल करने का झांसा दे करके करोड़ों रुपए का गमन इसने किया था। पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जाती थी उस समय, 3-4 माह पहले की बात है, जब दो मामले सामने आए थे एक साथ में, एक राजीव कुरेशी का और दूसरा परवेज पटेल का। अभी हाल फिलहाल में जो जानकारी है वो इस पे एटीएस की रेड हुई है। दोस्तों एटीएस की रेड का मुख्य कारण बता रहे सूत्र बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो डुप्लीकेट नोट बनाने का जो सिलसिला पहले शुरू था, जिस वजह से ये चर्चे में ये सब्जेक्ट आया था, क्या फिर से परवेज पटेल डुप्लीकेट नोट का काम करना शुरू किया था, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि आखिर एटीएस की रेड यानी अपने आप में एक मामूली बात नहीं है, और एटीएस की रेड हुई है तो कहीं ना कहीं से एक शक जाता है, संशय जाता है कि क्या परवेज पटेल कुछ महीने बीतने का इंतजार कर रहा था और फिर से डुप्लीकेट नोट छापने का काम शुरू करने वाला था या कर चुका है। ये आने वाले अगले एपिसोड में सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों इस एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई में, इस सर्च ऑपरेशन में अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये आई है कि अभी तक लगभग 30 से 40 लाख रुपए कैश बरामद। अब सवाल ये है कि 30 से 40 लाख रुपए जो कैश बरामद हुए अभी तक जो जानकारी है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कि क्या एटीएस को ऐसे ही नोटों की तलाश थी जिसकी जानकारी अभी तक आ रही है, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, बीसीए न्यूज़ नागपुर।